शर्मिला बनर्जी द्वारा लिखी गई त्रिशाला पुस्तक का विमोचन 12 अगस्त को मुंबई के टाइटल वेस्ट बुक स्टोर में आयोजित किया गया था। पुस्तक का उद्घाटन राज्यसभा के सदस्य अमी याज्ञिक ने किया। इस कार्यक्रम में उत्पल आचार्य CIO कंटेंट इंजीनियर, अनिल मुरारका के CIO एम्पल मिशन, सुदीप बैनर्जी प्रसिद्ध गजल गायक और हाई प्रोफाइल मीडिया उद्योग के दिग्गजों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ देखी गई क्योंकि पुस्तक के विषय को अत्यधिक सराहा गया। यह किताब चुनिंदा बुक स्टोर्स फ्लिपकार्ट, अमेजोन और नोटियन प्रेस पर उपलब्ध है। लड़की की कहानी है जो जातिवाद का शिकार है। उसके कम्युनिटी में प्रोस्टिट्यूशन ही करना पड़ता है अगर लड़की होके पैदा हो तो। इसमें कोई चॉइस नहीं है औरतों का। अगर आप एक इस कम्युनिटी में अगर लड़की पैदा हुए तो आपको यही करना पड़ता है। आदमी लोग बाहर से शादी करके आते हैं और लड़कियों को औरतों को यही काम करना पड़ता है। उनके भाई हस्बैंड उनके लिए दलाली करते हैं। तो ये एक बहुत दर्दनाक कहानी है लेकिन आज के ज़माने में बहुत ही बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है। नहीं, थॉट नहीं आया। ये कुछ सच्ची घटनाओं पे सच्ची मैं इंग्लिश में थोड़ा सा बोलूँ। हाँ, थोड़ा ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। मतलब कुछ सच्ची ये कहानी का बैकग्राउंड सच्चा है, ऐसा हो रहा है लेकिन कहानी फिक्शनलाइज्ड है। तो कहानी मैंने पूरा कवर किया था, रिसर्च किया था मेरे जर्नलिज्म के डेज पे, तो वो कहानी का सोच वहीं से आया। मैम, देश में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के हक के लिए बात होती है, क्या लगता है कब बदलाव आएगा? सोच में बदलाव आएगा तो बदलाव ज़रूर आएगा। सोच में बदलाव बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को भी अपनी सोच बदल के आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए, और पुरुष भी महिलाओं को उतना ही इज्जत दे जितना वो डिज़र्व करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ही अलग किस्म की कहानी है और जैसे कि इन्होंने बताया कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है और इसमें एक बहुत हिम्मत चाहिए थी ये कहानी लिखने के लिए भी। और एक औरत होकर के औरत की कहानी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखी है और एक ऐसी कहानी है कि लोगों ने देखी नहीं है और सोची भी नहीं है। जैसे कि आपने भी पूछा कि आपको आइडिया कैसे आया, क्योंकि आइडिया है ही नहीं है, तो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। सिंस सच्ची कहानी पे बेस्ड है हम उसको और भी लोगों तक लेके जाना चाहेंगे। हम इसका ऑलरेडी एक वेब सीरीज बना रहे हैं और अगले एक साल के अंदर इंडिया के टॉप फाइव प्लेटफॉर्म किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर ये दर्शित भी होगी ऑडियंस के लिए, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हो सकता है कि ये किताब गाँव तक ना पहुँचे, बट अगर ये एक वेब सीरीज या फिल्म के बतौर बन जाती है तो भारत के हर कोने में जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवेलेबल, लोगों के पास मोबाइल भी है, वो देख पाएंगे। पर्पस ये है कि इस कहानी को और ये मुद्दा प्रॉब्लम का जो है, जहाँ का भी ओरिजिनल मुद्दा, ये हर जगह पहुँचे और लोग एक साथ आएँ और ऐसे कहीं पे भी, जैसे किसी कोने में भी ऐसा और कहीं पे भी रेप्लिकेट हो रहा हो तो उसको जल्दी से जल्दी रोका जाए। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, नोशन प्रेस पे अवेलेबल है। आप इजीली अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं और ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़नी चाहिए क्योंकि ये कहानी बहुत बहुत ये विषय बहुत ज़रूरी है जानना। और अभी इंग्लिश में लिखी गई है। अभी हमने मैडम से रिक्वेस्ट किया कि इसको और कम से कम कुछ 4-5 जो प्रोमिनेंट भारतीय भाषाएं हैं उसमें भी इनको ट्रांसलेट किया जाए। प्राइमरी मैंने से रिक्वेस्ट किया कि मराठी में, हिंदी में, बंगाली और मलयालम, ये 5 बहुत ही लिटरेरी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, जहाँ पे कि इसको छापा जाए तो शायद पूरा देश कवर हो जाएगा। स्टार्ट 5 लैंग्वेज से करेंगे, उसके बाद शायद ज़रूरत हुई तो और भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। देखिए, आज समाज में तकलीफें इतनी हैं कि हम अगर इस ज़िंदगी में एड्रेस करने की कोशिश भी करें तो सारी चीज़ें अटेंड नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अगर हम हर एक कोई एक एक मोहिन उठा लें कि हमें एक चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, वी कैन डू वंडर्स। शर्मिला जी ने ये जो एक अटेम्प्ट किया या इसको एक अंजाम दे पाई इस किताब को लिखने में, मैम अद्भुत काम है। Trust me, it requires guts to come forward and take such causes forward. समाज से लड़ के झगड़ के आपको कुछ आगे लेके बढ़ना है, कठिनाइयाँ बहुत आती है, लेकिन अगर अपन डटे हुए हैं कि हमें कुछ करना ही है, हमें कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। This is what Sharmila ji is doing right now. अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये चीज़ मैंने अक्सर कही है कि अगर आवाम तक पहुँचना है तो दो ही जरिए हैं। एक, कोई ना कोई बॉलीवुड का फनकार कोई चीज़ को एड्रेस करे, कुछ बोले। दूसरा, ऊपर वाले का डर। इन चीज़ों का अगर ब्लेंड किया जाए तो आवाम तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचता है। अभी आपको उत्पल सर ने, आप जब बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत बहुत ही खास बात कही कि बहुत लोग हमारे देश में अभी भी शिक्षा पूरे माध्यम से है नहीं, हर वर्ग में है नहीं, अशिक्षित लोग बहुत हैं। तो हम उन तक ये कहानी कैसे पहुंचाएं कि औरतों का अपना एक हक है, एक राइट है, जिस हक से वो आगे बढ़ सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को निभा सकती हैं, जी सकती हैं। तो इसलिए विजुअल मीडियम सिनेमा बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में, सिनेमा के माध्यम से कोई भी कहानी बताई जाए। And that's what you are doing now. आपने अनाउंस करवाया ये भी, या वेब सीरीज लेके आ रही हैं इसके ऊपर, तो इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। शुभकामनाएं इनको देना चाहूँगी कि इन्होंने वो कर दिया जो इन्हें करना था। हम सब सोचते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। अब मुझे लग रहा है मैं शायद कर पाऊँगी इनको देख के, क्योंकि इन्होंने जिस अपनी शिद्दत के साथ 3-4 महीना मैंने लगातार देखा इनको काम करते हुए, घंटों काम करती थी, तो मुझे लगता है कि पॉसिबल है, तो हम भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक काफ़ी पावरफुल थीम है और एक जिसको मैं बोलूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और ये जो जितनी भी लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, त्रिशाला और उसकी कहानी एक तरीके से दिखा रहा है कि हमारा जुडिशियरी, हमारा लेजिस्लेशन काफ़ी कमज़ोर है और हमें और मेहनत करना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं नारी शक्ति को ऊपर लाने के लिए, और नारी का किस तरह से शोषण किया जाता है। त्रिशाला की कहानी से वो चीज़ समाज में सामने आएगा। और दूसरा, जो इस तरह के जो प्रथाएं हैं उसको शायद त्रिशाला अपनी कहानी के थ्रू बंद कराने में कुछ काम कर पाए। हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। त्रिशाला ने अपना काम करेगा, आप अपना काम करेंगे, ये जब न्यूज़ लेके आएंगे तो उसी तरीके से एक जागरूकता लाना पड़ेगा और त्रिशाला इसकी एक शुरुआत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक कहानी पढ़ी है, एक किताब पढ़ी है, और ये ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है हिंदुस्तान में हर एक को पढ़नी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी कहानी है, एक जाति के बारे में ये कहानी है जहाँ पे बहुत अन्याय नाइंसाफ़ी हो रही है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा, मैं इस किताब को शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि शर्मिला मैम ने ये किताब लिखी इतनी मेहनत से और ये किताब छप छुप की है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। क्या लगता है इस बुक से समाज में कितना बदलाव आएगा, इस तरह के टॉपिक पे बुक लिखना? आमतौर पर बहुत कम लोग चीज़ों पर ध्यान देते हैं, क्या करेक्ट बदलाव आएगा? हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि बदलाव आए, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि जब लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है जो इतना गलत है और आज की सदी में भी हो रहा है, आज की डेट में हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा तो बुरा लगेगा। एक तरफ हम
क्या बोलते हैं, हम लोग एक तरफ बोलते हैं कि हिंदुस्तान आगे जा रहा है, हिंदुस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट असली में गांव में आज तक ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मुझे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये किताब पढ़ें और उन तक ये कहानी पहुँचे, और फिर उम्मीद कर सकते हैं कि बदलाव आएगा।